छत्तीसगढ़ बालोद जिला के अंतर्गत ग्राम भरधा कला, जहां 1995 में नवीन प्राथमिक शाला स्कूल का शुरुआत हुआ। स्कूल शुरू होने के 5 साल पूर्व स्कूल जहां पे बना है उसी जगह पे ट्रांसफार्मर लगाया गया था, क्योंकि वो जगह उस समय खाली था। लेकिन 1995 से स्कूल बना और स्कूल संचालित होने के बाद 100 बच्चे वर्तमान में पढ़ते हैं। इन बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर जो है बहुत पहले से लगा हुआ है, स्कूल बना बाद में। यहाँ मीटिंग के रूप में मीटिंग हुआ था, मौखिक रूप में सरपंच को भी बोले थे आकर के, लेकिन आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ 2009 से कार्यरत हूँ और यहाँ नवीन प्राथमिक शाला में अभी करीब 100 बच्चे अध्ययनरत हैं और यहाँ ट्रांसफार्मर बहुत दिनों से लगा हुआ है, मेरे आने के पहले से लगा हुआ है और बच्चों को वहाँ मध्यान्ह भोजन के लिए थाली धोने के लिए जाना पड़ता है, वहीं पर बालिका शौचालय भी है तो हर बच्चे को पानी पीने के लिए भी वहीं जाना पड़ता है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अब इस संबंध में मैं 2-3 बार आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में भी दिया हूँ पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर के बारे में तो कई बार ऐसे बोल चुके हैं, इसका शिकायत हो चुका है, जो कि आहता भी नहीं लगा हुआ है और तार का बाउंड्री है वो भी टूटा हुआ है, एक बार इसमें गैया भी मर चुकी है, तो ये ट्रांसफार्मर को हटाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि हमारे उप विद्युत वितरण कंपनी अर्जुंदा विमल साहू का नंबर है 7024250072, इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।